हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कस करते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सपोज व्हेन वी स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट दैट इज एट टी इज इक्वल्स टू जीरो, हमारे पास एन नॉट नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज है। ओके, मान लो एन नॉट इज इक्वल्स टू 100। अब इस 100 को 50 में रिड्यूस होने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है, दैट टाइम इज नोन एज हाफ लाइफ टाइम। ओके, एंड आफ्टर सर्टन इंस्टेंट ऑफ टाइम, मान लो द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज लेफ्ट आर ओनली 20। गॉट इट? नाउ वी कैन सी दैट कि ये जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, दैट इज dN ओवर dt, ये किसे प्रोपोर्शनल होगा? नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज प्रेजेंट एट अ गिवन इंस्टेंट। ओके, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज जो है दे आर रिड्यूसिंग। ओके, प्रोपोर्शनैलिटी का जो कांस्टेंट हमने यहाँ पे यूज किया है इज लैम्डा, एंड दिस लैम्डा इज नोन एज अ डीके कांस्टेंट। राइट, नाउ फॉर्मूला नंबर टू, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इस फॉर्मूला का यूज कब करेंगे? इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी। राइट, फॉर्मूला नंबर थ्री, फ्रैक्शन ऑफ अनडिकेड एटम्स इज गिवन बाय एन ओवर एन नॉट एंड इट इज हाफ टू द पावर एन। सो हाउ यू विल कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम्स? इट इज 1 माइनस एन ओवर एन नॉट, विच इज 1 माइनस हाफ टू द पावर एन। वॉट इज एन ओवर हियर? एन इज कैलकुलेटेड एज स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी, विच इज ऑल्सो नंबर ऑफ हाफ लाइफ। कैपिटल टी is the half-life period and small t is the time at which we are taking the reading. Got it? In the next formula, we will see that how we can find the half-life. So half-life is calculated as 0.693 over lambda, where lambda is known as a decay constant. अब यहाँ पे हमें दो बातों को note down करना है. Point number one, अगर small t की value capital T to the base half हो, that time is known as half-life. और इस हाफ लाइफ में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस लेफ्ट है वो उसके ओरिजिनल के 50% होंगे, मतलब 50% डिसइंटीग्रेट हो गए हैं और 50% बचे हैं। सेकेंड पॉइंट, अगर स्मॉल टी की वैल्यू हम टाउ लेते हैं, दिस टाइम इज नोन एज मीन लाइफ एंड दिस मीन लाइफ इज द रेसिप्रोकल ऑफ डीके कॉन्स्टेंट। इस टाइम में क्या होगा कि ओरिजिनल के 37% न्यूक्लियस विल लेफ्ट, दैट मीन्स 63% डिसइंटीग्रेट हुए हैं एंड 37% आर लेफ्ट बिहाइंड। नाउ लुक एट दिस प्रॉब्लम, इट इज सेड दैट कि अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ, मतलब हमें कैपिटल टी दिया है 60 मिनट। आफ्टर 3 आवर्स मीन्स स्मॉल टी, 3 आवर्स करस्पॉन्ड्स टू 180 मिनट, वी हैव टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ एटम दैट हैव डिकेड। याद रखना, हमें फाइंड करना है फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम। हमें पता है कि स्मॉल एन इज गिवन बाय स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी? इट इज 60 मिनट। स्मॉल टी इज 3 आवर्स विच करस्पॉन्ड्स टू 180। व्हाट इज 180 ओवर 60? इट इज 3। सो स्मॉल एन इज गिवन बाय 3। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ डिकेड एटम? इट इज 1 माइनस एन ओवर एन नॉट, विच इज 1 माइनस एन ओवर एन नॉट को हमने रिप्लेस किया हाफ टू द पावर एन से। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? इट इज 3। Now 1 by 2 raised to 3 means 1 over 8. Now what is 1 minus 1 over 8 will gives me answer as 7 over 8. Correct. Options are given in percentage. So अब हमें इस fraction को multiply करना होगा 100 से. So इस fraction का answer है 7 by 8 multiplied by 100 will gives me answer as 87.5. Hence the answer option B is correct. नेक्स्ट प्रॉब्लम में उन्होंने कहा है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट्स 200 पार्टिकल्स पर सेकेंड, आफ्टर 3 आवर्स 25 पार्टिकल्स पर सेकेंड आर एमिटेड, द हाफ लाइफ पीरियड इज क्वेश्चन मार्क, ऑप्शंस आर गिवन एज 50, 60, 70 एंड 80 मिनट। नाउ वी नो दैट कि dN बाय dt इज नथिंग बट रेट एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट एट अ गिवन इंस्टेंट। तो कैन वी से दैट रेट 2 अपॉन रेट 1 इज इक्वल्स टू एन 2 ओवर एन 1? राइट, ओके। नाउ व्हाट इज द रेट 2? रेट 2 इज 25 ओवर 200।
Now we also know that okay, the new rate divided by the original rate is given by half to the power n. 25 over 200 will give me fraction 1 by 8. Now this 1 by 8 we can write 1 by 2 to the power 3. अगर हम इन दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करें तो वी कैन सी दैट एन इज इक्वल्स टू 3, बट आई ऑल्सो नो एन इज गिवन बाय स्मॉल टी ओवर कैपिटल टी. तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपिटल टी? इट इज स्मॉल टी डिवाइड बाय 3. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल टी गिवन? इट इज गिवन एज 3 आवर्स. सो 3 आवर्स डिवाइड बाय 3 विल गिव्स मी आंसर एज 1 आवर. 1 आवर करस्पॉन्ड्स टू हाउ मेनी मिनट्स? 60 मिनट्स. हेंस द आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. लुक एट द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द हाफ लाइफ of the sample is given as 3.8 days. 3/4 of the sample decays in, मतलब sample का जो half life है it is 3.8 days. हमें ये find out करना है कि 3/4 of the sample decay होने में कितना time जाएगा. Okay, solution देखते हैं. Decayed fraction कितना दिया है हमें? 3/4. So what will be undecayed fraction? It is 1 minus 3/4, which is 1/4. How do we calculate undecayed fraction? It is given by n over n naught, which is half to the power n. N over n naught कितना है? तो 1 by 4, जिसे हम लिख सकते हैं 1 by 2 raised to 2 is equals to 1 by 2 raised to n. अगर हम इन दोनों को compare करें, तो we will get small n is equals to 2. But what is small n? It is capital T over small t. तो how do we get small t? It is small n into capital T. Small n is equals to 2. Half life is given as 3.8, so the answer will be 7.6 days. So 3/4 sample ko decay hone mein kitna time hoga? 7.6 days, and hence the answer option C will be correct.